हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजय पटेल, मैं एन अकेडमी पर एजुकेटर हूँ। और इस वीडियो में जैसे कि अभी तक जितने सेशन चलते थे उन सारे के सारे सेशन में हम क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चन तो डिस्कस करते थे, लेकिन जो चैप्टर रिवीजन करते थे उसके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करते थे। जैसे कि हमने क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज उसकी सेकेंड क्लास होनी थी, लेकिन उस सेकेंड क्लास से पहले एक और रिविज़न डे के साथ साथ क्वेश्चंस डे, तो ये दोनों चलेंगे। क्वेश्चंस डे की नया शेड्यूल है, जो क्वेश्चंस डे की क्लासेस होंगी वो कल से 12 बजे, और रिवीजन डे जो होगा आपको शाम को 5 बजे होगा। लेकिन आज रिवीजन डे नहीं है, सॉरी उसके लिए, केवल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हम करेंगे एमटीजी की फिंगर टिप्स का, वो भी मॉलिकुलर बेसिस का, क्योंकि क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी थ्योरी है। अगर आप थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। आपको थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, आप उस चैप्टर की थ्योरी 50 बार पढ़ लें, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो भी ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चंस वीडियोस में हम यही देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेफर द गिवन फिगर ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी। डायग्राम ये न्यूक्लियोसोम का है, आपको इतना मालूम चल गया क्वेश्चन में ये दे रखा है। अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियोसोम नहीं दे रखा होता तो सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना होता कि ये डायग्राम किसका है। आपके सामने चार ऑप्शन आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप पहले ही क्वेश्चंस को देखें, मैं आपको 5-10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। चलिए, आई होप क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इस क्वेश्चंस में देखिए कि इसमें ए बी सी को करेक्ट लेबलिंग हमको करनी है। एमटीजी की फिंगर टिप्स में बता दूँ इसका आंसर इनकरेक्ट दे रखा है। जो नई एमटीजी भी अपडेट होकर आई है, उस नई एमटीजी में भी इसका आंसर इनकरेक्ट दे रखा है। कुछ में प्रिंट्स में गलत है, कुछ में सही किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में गलत आंसर दे रखा है। ओके, तो इसमें देखिए, आपसे पूछा कि बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो सी आपको सबसे पहले पता है कि सी एक लिंकर है जो कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से अटैच करने में हेल्प करता है। तो सी आपका यहाँ पर लिंकर हो गया, और जो लिंकर है उसी को हम कहते हैं H1। लिंकर कौन सी होती है आपकी? H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन जो होती है वो आपकी क्या होती है? लिंकर होती है। तो सी तो आपका लिंकर हो गया, तो H1 हिस्टोन प्रोटीन आपका हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख गए। अब बी पार्ट जो होता है, वो बी पार्ट जो होता है वो आपका DNA होता है, जो कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों तरफ अरेंज लगा रहता है, और जिसमें 200 बेस पेयर होते हैं। तो बी तो आपका DNA हो गया, चलिए बी आपका DNA हो गया। ए क्या है आपका? ए आपका एक हिस्टोन ऑक्टामियर है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के बना हुआ है, H1A H2B H2B H2C और H3 से इन सबसे बना हुआ है। तो पहले का करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया सी ऑप्शन। एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, जो कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा पेयर है? आपको चार पेयरिंग दे गई हैं, ए बी सी डी। एक साइड आपको मोनोमर्स दे गए हैं, तो एक साइड आपको उसके पॉलीमर आप कह सकते हैं। देखिए, ये भी एक पॉलीमर यूनिट है, काफ़ी सबके मिल गए, ये भी और DNA भी, ये सब के सब एक पॉलीमर यूनिट एक साइड दिए गए, उनकी मोनोमर यूनिट दूसरी साइड आपको दी गई है। तो ये पूछा है कि इसमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है और कौन सी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है। ओके, तो आपके पास फिर से मैं कुछ टाइम देता हूँ आपके लिए, चलिए 10 सेकंड का टाइम है यहाँ पे आपके लिए। आप इसको क्वेश्चंस को देखें, अगर आपको क्वेश्चंस को समझ में आ जाए, एक बार पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। एक साइड मोनोमर यूनिट है तो दूसरी साइड पॉलीमर यूनिट है। ओके, चलिए देखिए, प्यूरीन और पिरिमिडीन दो हमारे पास होते हैं। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन में देखिए, प्यूरीन में आता है आपका एडिनिन एंड गुआनिन, सही है। पिरिमिडीन में आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो यहाँ पे साइटोसिन और थाइमिन नहीं दे रखा, साइटोसिन और यूरेसिल दे रखा। तो ए और बी सही मैचिंग है, बी भी सही मैचिंग है। न्यूक्लियोसाइड, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द DNA डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज बाई द वॉटसन एंड क्रेग इन 1953। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डेट सो ऑल द करेक्ट मेजरमेंट। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। एक सामने जो डायग्राम देखिए, जो पहले ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आपको DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दे रखा है, जिसमें ए आपकी रिप्रेजेंट करती है एक पूरी पिथ की डिस्टेंस, बी रिप्रेजेंट करती है कि आपकी जो पर्टिकुलर बेस पेयर दो हैं उन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, जबकि सी रिप्रेजेंट करती है DNA के दो जो स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। वॉटसन एंड क्रिक ने रोजेलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस बिल्किन के जो एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा था उसका यूज़ करके ये मॉडल दिया।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी, आपको करेक्ट मेजरमेंट किस में दे रखा है वो फाइंड आउट करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो क्वेश्चंस को देखिए, डायग्राम को भी ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करिए। कमेंट करते जाइए अगर आपको करेक्ट ऑप्शन आ गया है, अगर नहीं आया तो वेट करिए, हम बताएंगे अभी आपको आपका। देखिए आप लोग, चलिए तो इसमें देखिए, ए जो है वो आपको दे रखा है, तो जो ए की लेंथ है वो आपको मालूम है कि एक पित्त की जो लेंथ होती है वो आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और 3.4 आप कह सकते हैं नैनोमीटर में होती है। ओके, तो 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 आप नैनोमीटर कह रहे हैं, तो इसकी में से करेक्ट कौन सी है, तो आपकी करेक्ट हो गई यहाँ पे कि आपकी डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर, 34 एंगस्ट्रॉम, दोनों ऑप्शन सही हैं। बी देखिए, जो एक पित्त की डिस्टेंस है, और आपको पता है कि एक पूरी पित्त में टोटल 10 होते हैं, अगर 10 की डिस्टेंस है 0.34, तो एक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.34, मतलब 10 की डिस्टेंस है पूरी 3.4, तो एक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.34। नॉर्मल मैथमेटिक्स रूल से आप भी निकाल सकते हैं, तो वहीं बी हो गया आपका 0.34 नैनोमीटर। जबकि दो स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपकी होती है यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप उसको कह सकते हैं 2 नैनोमीटर। तो 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर, तो आपको दो ऑप्शन तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं देखा, केवल ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, तो थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको स्कैन से ही नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ से ये पीडीएफ मिली है वहाँ पे मुझे ऐसे ही स्कैनिंग मिली है। आपको अगर पास अच्छी पीडीएफ है एमटीजी की या किसी दूसरे अनसॉल्व की, आप हमें भेजना चाहें तो नीचे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहाँ से हमको भेज दें, हम उसकी वीडियो सॉल्यूशंस या डिस्कशन ऐसे करके आपके साथ लेके आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। इन अ डीएनए, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% साइटोसिन, साइटोसिन 20% है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडिनिन इन इट। अगर साइटोसिन 20% है तो एडिनिन कितना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आप में से 90% लोग अब इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। सो आपको मालूम है बेस पेयरिंग कि एडिनिन हमेशा थायमिन से, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से मैच करता है, इक्वल प्रोपोर्शन में मैच करता है, इक्वली मैच करते हैं। तो अगर 20% अगर यहाँ पे साइटोसिन है, तो क्या कह सकते हैं कि 20% ही आपका यहाँ पे गुआनिन होगा। 20% साइटोसिन है तो 20% गुआनिन होगा, 20% साइटोसिन है तो 20% क्या आपका गुआनिन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये दोनों मिलकर आपका 40% होगा यहाँ पे। 100 में से अगर 40 माइनस करोगे बचे कितने, 60। अब मैं कहूँ आपसे 60 को एडिनिन और थायमिन में इक्वली डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 30-30, 20-20, 60-60, 40-40, 30-30 आप डिवाइड करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर तुरंत 60 देख लिया होगा, लेकिन 60 इसका नहीं है, क्योंकि अब एडिनिन और थायमिन का जो पूरा कंपोजिशन बचा है वो कंपोजिशन आपका 60% है, लेकिन हमको केवल उसमें एडिनिन को डिवाइड करना है। तो एडिनिन के पास आधा जाएगा, थायमिन के पास यहाँ पे आधा जाएगा, तो एडिनिन का भी 30% हो गया और थायमिन का भी यहाँ पे 30% हो गया, तो दोनों का 60 हो गया और एक एक का 30-30 यहाँ पे हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब स्क्रीन पे आपके सामने जो है डायग्राम बना हुआ है, ये पूरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपके पास सेंट्रल डोगमा का है। सेंट्रल डोगमा का मतलब वो प्रोसेस की, डीएनए से कैसे आरएनए बना, आरएनए से कैसे प्रोटीन बना, कैसे प्रोटीन से कुछ एंजाइम बन रहे हैं, एंजाइम के पास कैसे हमारी बॉडी के पास वर्किंग प्रोग्रेस उसकी हो रही है। तो द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन द बायोमोलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द प्रोसेस ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, और आपको उनमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। तो आपके पास फिर से 10 सेकंड का यहाँ पे टाइम है, आप 10 सेकंड में देखिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम को देखना है और किसी चीज़ को नहीं देखना, अगर आपके पास आंसर आ गया तो आप कमेंट जरूर करते जाएं। सो ओके, यहाँ पे देखिए, डीएनए से डीएनए बन रहा वो है ए, डीएनए से एमआरएनए बन रहा वो प्रोसेस है बी, एमआरएनए से वापस डीएनए बन रहा वो प्रोसेस है सी, और एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है उस प्रोसेस का नाम है डी। पहले तो इस चारों प्रोसेस को आप सही से देख लीजिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। मोस्टली हम लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसमें हम लोग ए किसको लेते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, बी हम लेते हैं कि एमआरएनए से प्रोटीन्स बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले देखिए कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा, सी किसको कर रहा, और डी को किसने रिप्रेजेंट किया।
चलिए देखिए, ए डीएनए से डीएनए बनना, मतलब डीएनए से डीएनए बनना किसी चीज़ को तुम अपने आप को जैसे दूसरे बनाते हो, क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। जैसे मैं कहूँगा आप एक ही चीज़ को अपनी कॉपी रखे हो, उस पेज की फोटो कॉपी करा रहे हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, आप उसको डुप्लीकेट करवा रहे हो या उसकी फोटो स्टेट करवा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेट करवा रहे हो, आप उसकी रेप्लिकेशन करवा रहे हो। तो ए का नाम क्या हो गया, रेप्लिकेशन, मीन्स अपने ही जैसे दूसरे को बनाना। क्या हो गया, फोटो कॉपी करवाना, क्या हो गया, फोटो कॉपी करवाना, जिसको हम मोस्टली कह सकते हैं यहाँ पे इस बायोलॉजी के टर्म में रेप्लिकेशन करवाना, किसी शॉपकीपर के टर्म में या किसी नॉर्मल टर्म में हम यहाँ नहीं बोल सकते कि फोटो कॉपी करवाना या फिर डुप्लीकेट करवाना, यहाँ पे हम उसको टर्म देंगे रेप्लिकेशन करवाना। तो ए प्रोसेस हो गई आपकी यहाँ पे रेप्लिकेशन। प्रोसेस बी को देखिए, डीएनए से एमआरएनए बनना, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोले, ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, तो बी प्रोसेस का नाम हो गया यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख गए होंगे, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, आपके ए गलत हो चुका है, डी गलत हो चुका है, बी और सी में से कुछ एक होगा। अब एमआरएनए से वापस डीएनए का बनना, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स, रिवर्स मीन्स उल्टी डायरेक्शन में वापस जाना, मतलब वापस जाना या उसको वापस देना। तो अभी तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन वापस हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो सी वाली क्या होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन। तो ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है, आप सबको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। हिस्टोन प्रोटीन आर, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, तब होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिस्टोन प्रोटीन कैसी हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती हैं। आप एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखिए और अपना आंसर अपने पास रखिए, या नीचे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आपके टाइम स्टार्ट होता है 10 सेकंड अभी। व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, यही ऑप्शन है आपके पास, यही क्वेश्चन है। मैंने बता दिया कि हिस्टोन प्रोटीन आपके डीएनए पैकेजिंग में, और आप कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम जब बनता है तब यूज होती हैं। चलिए, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो आपकी, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हिस्टोन प्रोटीन आपकी होती हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन आपको मालूम है, डीएनए हमारा एसडी के नेचर है, और डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसके ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है, उस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है एसडी के। अब किसी नेगेटिवली चार्ज के पास अगर आप नेगेटिव चार्ज फेंकेंगे, तो क्या वो नेगेटिव चार्ज को लेगा, नहीं, रिपल करेगा, तो पैकेजिंग होगी, नहीं होगी। अगर आप एसडी डालेंगे तो वो और एसडी हो जाएगा, वो और अपने आप को पावर बढ़ा लेगा, तो क्या हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। कैसी होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव बाइंड अप कर सके, बेसिक इसलिए क्योंकि एसिडिक और बेसिक नेचर आपस में बाइंड अप कर सके। तो हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। तो सिक्स वाले का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, रेफर द फॉलोइंग सीक्वेंस। अभी इस सीक्वेंस को हमने देखा है, इसमें से दो सीक्वेंस तो अभी हम पीछे देख के आए, सेंट्रल डोगमा का ही स्टेप्स है, तो इसी प्रोसेस को, कुछ प्रोसेस इसमें से अभी हम देख के आए हैं, तो इस प्रोसेस को फर्दर आगे कंप्लीट करना है। इसका एक और क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फिर से टाइम है कि डीएनए से एचआरएनए बन रहा है, एचआरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, देखिए और इसको सॉल्व करिए। ओके, तो डीएनए से हेट्रोन्यूक्लियर आरआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा, तो डीएनए से अगर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा, ये तो प्रोसेस नॉर्मली आपको मालूम है कि ये प्रोसेस हमारी ट्रांसक्रिप्शन है, तो रेप्लिकेशन तो हो नहीं सकता। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए से वापस खुद डीएनए अपने आप को बनाता, मीन्स कोई अपने आप को खुद बनाए, तो उसी को हम रेप्लिकेशन कह सकते हैं। तो ए और बी ऑप्शन तो है नहीं, सी और डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो कुछ हमारा जो एच आर एन ए बनता है, जो हमारे आर एन ए बनते हैं, वो एक फर्दर प्रोसेसिंग से जाते हैं, जैसे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट उस पर लगता है, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, उसके बाद एक मैच्योर बनता है, आपके इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, तो आपके इंट्रॉन को हटा के मैच्योर डी एन ए में केवल आपके आर एन ए में केवल एक्सॉन होते हैं, वो प्रोसेसिंग होती है, होती है कि नहीं प्रोसेसिंग होती है। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग, क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। तो हेट्रोन्यूक्लियर आर एन ए से मैच्योर एम आर एन ए बन रहा है, यहाँ पे इंट्रॉन को हटाया गया, एक्सॉन को अकेला लाया गया,
आपकी स्ट्रक्चरल जीन में प्रोसेसिंग की गई, कैपिंग और टेलिंग की गई, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया सेकंड वाले को स्प्लाइसिंग। क्या नाम दिया? स्प्लाइसिंग। ओके, इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया स्प्लाइसिंग। और एमआरएनए से वापस प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए, इट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। तो सेवन्थ का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, मैं आप लिख देता हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ए टी जी सी ए टी जी सी ए ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी ए, ये आपके डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे रखा है। आपसे उसका पूछा है, मान लो ये 5' to 3' वाले का, तो आपसे 3' to 5' वाले का पूछा है। मीन्स आपको एक का सीक्वेंस मालूम है, दूसरे का सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है। नीचे आपके पास चार ऑप्शन है और आपके पास टाइम है केवल और केवल 10 सेकंड का। एक का सीक्वेंस है, नीचे लिख भी रखा है कि डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके, चलिए, आपको मालूम है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जैसा है, उसका अपोजिट जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है वो दूसरे स्ट्रैंड में होती है। ओके, तो एडिनिन हमेशा किससे वाइंड अप करता है? अभी डीएनए में ही हो रहा है, कोई एमआरएनए तो फॉर्मेशन हो नहीं रहा है कि एडिनिन थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। एडिनिन किससे वाइंड अप करता है? थाइमिन से। ग्वानिन किससे करता है? थाइमिन किससे करता है? एडिनिन से। एडिनिन थाइमिन, थाइमिन एडिनिन, ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एडिनिन वापस थाइमिन से। तो आपको सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसके अपोजिट जो बेस पेयरिंग होती है वो उसमें मैच करनी है। तो सी ऑप्शन एट्थ का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब ये मैं सोचिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 से मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 25 तक क्यों पहुंच गया, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सारे क्वेश्चंस ब्लर हैं। तो वही प्रॉब्लम मेरे पास हो रही है आप लोगों के साथ, मेरे वजह से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप में से किसी के पास भी इसकी अच्छी स्कैंड कॉपी हो मेरे पास सेंड करें, मैं आपके पास उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ऐसी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर सकें। द गिवन फ्लो चार्ट शोज द सेंट्रल डोगमा रिवर्स। सेंट्रल डोगमा दिखाया गया, और सेंट्रल डोगमा का जो रिवर्स पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे दिखाया गया इस डायग्राम में। आपसे पूछा है कि ए बी सी तीन प्रोसेस हो रहे हैं, तीन प्रोसेस में अलग अलग एंजाइम बर्स करते हैं। जैसे कि अगर आप अलग अलग चीज़ से जाते हैं तो अलग अलग चीज़ को अलग अलग हर कोई प्रोसेस रन करता है। तो आपसे यही पूछा कि इसमें से जो एंजाइम है, ए प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, बी प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम होगा, सी प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन आपके पास क्वेश्चंस है एक क्वेश्चंस के अंदर, और आपके पास टाइम है 10 सेकंड का क्वेश्चन समझने के लिए, अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट करने के लिए। चलिए, सो अब देखिए, चलिए बस आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मेरे साथ सॉल्व करिए। प्रोसेस ए रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है, डीएनए का यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है प्रोसेस ए में, और कोई फर्दर प्रोसेस नहीं हो रही है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है खुद को। ये प्रोसेस का नाम रेप्लिकेशन है, जो कि अभी हम पिछले दो क्वेश्चंस में देख के आए हैं। तो रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज होता है, कि डीएनए खुद के ऊपर डिपेंड करके खुद को पॉलीमराइज कर रहा है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज, तो ये एंजाइम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए का करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज। तो ए और बी है, इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज गलत, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज गलत हो गया। बी डीएनए से आरएनए बनना, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज यहाँ पे एंजाइम होगा। क्वेश्चन नंबर सी का आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज जो एंजाइम है वो यूज़ होगा, जिससे जो बन रहा है उस वो डिपेंडेंट होगा। मतलब जैसे ए से बी बन रहा है, तो ए डिपेंड ऑन बी और फॉर दिस एंजाइम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो गया बी। तो मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चंस थे, मैं आपके साथ इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर सका। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिसके पास भी अच्छी से स्कैंड कॉपी हो मुझे प्लीज़ सेंड करें, ताकि मैं क्वेश्चंस बना सकूं। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चंस को खुद फॉर्म करूँ। काफ़ी क्वेश्चन जैसे मैं प्रीवियसली चैप्टर्स में हम देखते थे, जो क्वेश्चन डिस्कस करते थे, मैं खुद क्वेश्चंस बनाता था और आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करता था। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड वो क्वेश्चंस होते थे। तो अब टाइम टेबल आप सुन लीजिए कि 12 बजे फिक्स 12 बजे आपको 12 बजे आपका क्लास में आ जाएंगे, क्लास शुरू हो जाएगी, एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, प्रीमियर उसका स्टार्ट हो जाएगा।
हाँ अभी कुछ दो तीन लोगों ने कहा कि लाइव क्यों नहीं, तो मैं लाइव अभी आने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी प्रीमियर वीडियो चलती है तो उस पर आइए, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, डिस्कस हो रहे हैं उसको देखिए, 12 बजे आपका होगा, 20, 25, 30 मिनट के जितने भी क्वेश्चन हम इतने टाइम में डिस्कस कर सकें वो होगा, 5 बजे से कल से आपकी जो टॉपिक अभी चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो कंटिन्यू हम वहाँ पे करेंगे, और डेली आपका यह शेड्यूल चलेगा 12, 5, 12, 5, 12, 5, बीच में अगर कुछ हुआ तो फिजिक्स भी अभी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये था जो आपका आज वीडियो, से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, लेक्चर चल रहे हैं, वो सब इसको अटेंड कर सकें। थैंक यू।